जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया, एकदम झक्कास। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ, चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 1 खत्म हो गया है। आज देखेंगे बेटा विविध ऐच्छिक प्रश्नावली, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वो भी कर दीजिए। तो आओ चलो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाते चले हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मान लीजिए कि x एक प्रमेय संख्या है, मान लें। अब कह रहा तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और y एक अप्रमेय संख्या, ठीक है। कह रहा है बाबू कि मान लीजिए तुम्हारा परिमेय संख्या है बेटा। क्या है? परिमेय संख्या। क्या है बेटा? परिमेय संख्या कौन है? x वाले भैया हैं। और अपरिमेय यह भी मानने के लिए कहा है। अपरिमेय संख्या कौन सा है? वाई वाले भैया हैं, ठीक है। कह रहा मान लीजिए कि एक्स एक प्रमेय संख्या, वाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या एक्स वाई आवश्यक रूप से अपरिमेय संख्या है? एक उदाहरण द्वारा अपने औचित्य उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्स वाई यह दोनों जो एक्स वाई का गुणा होगा बेटा, यह भी अपरिमेय होगा, ठीक है। तो कह रहा कि अपने उत्तर का जो औचित्य है एक उदाहरण द्वारा दीजिए, ठीक है। तो आ जाओ देखो ध्यान से कि यहाँ पे बेटा क्या है, एक परिमेय संख्या यक्स, यक्स बराबर हम मान ले रहे हैं 0। वाई अपरिमेय है, अपरिमेय मान ले रहे हैं बेटा, रूट में 5, रूट 2 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 2 और 0 गुणे रूट कितना माने हो बेटा, 5 माने हो। इसका कितना आएगा? 0 आएगा। यह तो बेटा अपरिमेय नहीं आ रहा है। क्या आ रहा? नहीं आ रहा बेटा, यह अपरिमेय नहीं है, ठीक है। अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो जो कथन कह रहा हो क्या है? गलत है, ठीक है, असत्य है। आए समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा बोल देना। जो आप कहना चाह रहे हो भैया, यह पूरा का पूरा सरासर बेईमानी है, ठीक है, गलत है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा लगाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बेईमानी कर रहा था, चलो इसको साइड कर दिए, असत्य लिख देना। क्या कथन? असत्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाओ दूसरा कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ओहो, यहाँ पे भी वही तो आ गया, वहां पे है या नहीं बताना था, तो नहीं, ठीक है। और नहीं को हम असत्य कह दिए हैं, अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है बेटा, नहीं लिख देना। आए समझ में? उसके बाद कह रहा है कि पहला दिया है बेटा अंडर रूट 2 दिया है बाय अंडर रूट 3 दिया है, ठीक है। कह रहा है एक परिमेय संख्या है, तो नहीं बेटा, अंडर रूट 2/3 तो यहाँ पे एक देखो ऊपर परिमेय है, अपरिमेय है, नीचे परिमेय है, और अपरिमेय में परिमेय से भाग दोगे तो क्या आएगा बेटा? अपरिमेय ही आएगा। तो ये कथन क्या होगा बेटा? असत्य होगा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा? दूसरा लगाते हैं दूसरे का। दूसरा कह रहा किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक होते हैं या हैं। तो बेटा अगर हम कह दें 3 है और यहाँ पे 4 है, इनके बीच अनेक पूर्णांक लिखो, तो लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे ना बेटा, जितने भी आएंगे पूर्णांक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यह भी कथनवा क्या है बेटा? असत्य है, ठीक है। दूसरे का दूसरा भी असत्य होगा। आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या कहना चाह रहा? उसके इच्छा क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है। कह रहा 15 और 18 के बीच में परिमेय संख्या क्या है बेटा? तीसरा 15 और 18 के बीच में परिमेय संख्या परिमित है बेटा। 15 और 18 के बीच में परिमेय संख्या कभी भी परिमित नहीं होंगे, अपरिमित परिमेय संख्या होंगे, ठीक है बेटा। बहुत सारे परिमेय संख्या होंगे, 16 होगा, 17 होगा, ये तो अलग बात है, लेकिन इसमें 15 के बाद जो आता है नंबर 15.1, जब बटे में लिखते जाएंगे बहुत सारे आएंगे, ठीक है, जो कि बेटा आप पी बाई क्यू के रूप में लिखते चले जाएंगे। तो 15 और 18 के बीच में क्या है? परिमेय संख्या परिमित नहीं है, ठीक है। तो ये इनका कथन तीसरा वाला भी असत्य है, मतलब ये सब असत्य ही ढूंढ के लाया है लग रहा है। आ जाओ 4 नंबर पे। चौथा क्या कह रहा? कह रहा है कि कुछ संख्या ऐसे हैं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं। क्या है बेटा? जहां पी और क्यू दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं, ठीक है,
लेकिन दोनों पूर्णांक है। तो बेटा यह सत्य है कि कुछ संख्या ऐसे होती है जैसे अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री, इन्हें क्या किया जाए बेटा, पी बाई क्यू के रूप में क्या होगा, कहा पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और क्या होगा बेटा, क्यू नॉट इक्वल टू यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा। लेकिन बाबू यहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है, क्या है, दोनों पूर्णांक नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। यह कथन क्या होगा बेटा, जो कह रहा सत्य है, ठीक है, इन्हें क्या किया जा सकता है बेटा, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, हो गया। चौथा, आ जाओ पांचवें नंबर पे, इसमें कितने हैं, चार पांच होंगे, और कितने, चार तो हो गए, पांचवा ही लास्ट होगा, या का दौर बचे होंगे। पांचवा कह रहा है एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव अपरिमेय संख्या होती है। तो बेटा सदैव कह दे रहा है, जैसे अंडर रूट टू होता अपरिमेय था, इसका वर्ग करते तो बेटा टू आता, तो प्रमेय आ जाता, ठीक है। लेकिन कंडीशन, कई कंडीशन हो सकते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे अंडर रूट टू का मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू को लिख सकते हैं हम दो पे एक बटे दो, अंडर रूट है मतलब बेटा उस पे दो, और इसका वर्ग जब करते होल का स्क्वायर जब करते बेटा, दो पे एक बटे दो है, इसका गुणा दो से करते कैंसिल होता दो, यही तो आया है। लेकिन यही कंडीशन अगर हम लिख दें क्या, फोर इन अंडर रूट टू, अब बाबू इसका स्क्वायर जब करोगे, क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तो बेटा यहाँ पे फोर है तो टू पे कितना होगा, वन बाई फोर, और इसका दो होगा, इससे कटोगे दो आएगा, दो पे एक बटे दो, तो मतलब दो पे एक बटे दो, तो मतलब कड़ी में दो, तो क्या होगा बेटा, अपरिमेय संख्या का वर्ग, यह बेटा एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, इसका हम वर्ग कर दिए, अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है, परिमेय नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा, यह भी कथन आपका असत्य हो जाएगा। आ जाओ छठवें नंबर पे, छठवां क्या कह रहा है बाबू, छठवां कह रहा है कि कहां गया, 12 बटे कड़ी में, 12 बटे कड़ी में तीन एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि कड़ी में 12 और कड़ी में तीन पूर्णांक नहीं है, तो एक गलत बात है, ये तो चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं, ठीक है, यही है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में चार गुड़े कड़ी में तीन, ठीक है, और आएगा बेटा बटे में कड़ी में तीन, इससे कैंसिल, कड़ी में चार का होता दो, जो कि बेटा यह परिमेय है, यह भी कथन उनके कहने का मतलब जो था वह गलत है बेटा, यह क्या है, परिमेय नहीं है, क्या है बेटा, वो परिमेय है, ठीक है। अगला क्या कह रहा बाबू, सातवा, 15 बटे कड़ी में 15 बटे कड़ी में तीन पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में लिखी है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो बेटा बोले हैं बिना सॉल्व किए तो कह नहीं सकते हो, कर्डिम 15 बटे कर्डिम में तीन, तो इसको लिख सकते बेटा कर्डिम 5 गुड़े कर्डिम में तीन और बटे कर्डिम में तीन, इससे इसको काटोगे तो आएगा कर्डिम में 5, तो बेटा जो कि यह परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय है, इसलिए यह भी कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो मतलब घुमा फिरा के केवल हैया चौथे नंबर वाले भैया सत्य है और सबके सब क्या है, असत्य है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया यहीं पे खत्म, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे और इनको भी लगाएंगे। अब उम्मीद कर रहे हैं बेटा आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आ जाओ तीसरे नंबर पे, ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा बाबू कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को ज्यामिति रूप से निरूपित कीजिए, केवल संख्या रेखा पर निरूपित करना है, जैसे पहला दे दिया बेटा इसमें कर्डी में 5.6, ठीक है, इसमें एक रेखा खींच लेना बेटा, एक रेखा ऐसे खींच लेना, इसका नाम देना ए, इसका देना बी, इसकी बेटा कितना 5.6 इकाई लंबा होना चाहिए, ठीक है, कितना 5.6 इकाई, इसके बाद बेटा यहां से यहां इस बिंदु से एक इकाई लंबा आगे कर लेना, ठीक है, यहाँ पे जैसे बिंदु सी आ गया, ठीक है, इतना खींचने के बाद बाबू रेखा एसी, एसी देख रहे हो ना, ए और सी का क्या करना, अर्धक कर देना, अर्धक करने आता होगा, मान ली यहाँ पे बिंदु यम आएगा, ठीक है, अब क्या करना, चाहे यम ए चाहे यम सी त्रिज्या लेके एक अर्धवृत्त खींच देना, अर्धवृत्त मान लिया ऐसे खींच दिया गया, ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, बिंदु बी पे आप लोग क्या करना, ऐसे लंब डालना, लंब डालोगे बी पे तो इस अर्धवृत्त को कहीं ना कहीं पे काटेगा, तो जिस पे काटेगा वहां पे मान लिया बिंदु डी, ये बेटा लंब डालेंगे तो यह 90 अंश होगा, ठीक है, समझ में आया ना।
अब यहाँ से बेटा यहाँ से हम मिला के फिर 3-5 करके पूरा वैल्यू निकालेंगे, निकालने की जरूरत नहीं, केवल प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो क्या करना, यहाँ पे प्रकार को रखना और ऐसे एमडी त्रिज्या ले लेना, क्या लेना, एमडी त्रिज्या ले लेना। जब लोगे बेटा तो यहाँ से ऐसे एक रेखा मतलब चाप लगा देना, इसको फिर आगे बढ़ा देना, जहां पे काटेगा बिंदु ई यही बिंदु हो जाएगा बेटा कितना, 5.6, 5.8 बोला था, 6 बोला था, 5.6, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसमें दो और है, कौन सा है बेटा, 8.1, दूसरा है बाबू इन अंडर रूट 8.1, और तीसरा है बेटा, तीसरा कितना है इन अंडर रूट 2.3, ठीक है। इसको आप लोग कर लेना, ठीक है, ऐसे जैसे इसको करते आए हो सेम सबको करते हुए आना है, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा। सेम ऐसे करना है संख्या रेखा पर, लेकिन डायरेक्ट हाथ से मत करने लगना, प्रकार से करना, ठीक है। जितना लंबा दिया रहेगा, जैसे इसमें दिया 8.1, तो 8.1 इकाई लंबा रेखा खींच लेना, मान लिया ए बी, ये हो गया 8.1 इकाई, ठीक है। फिर एक इकाई लंबा इधर खींच लेना, मान लिया यहाँ पे बिंदु सी हो गया, इसका अर्धक करना, मान लिया यहाँ पे बिंदु यम आ जाएगा, अर्धक करने आता मतलब बीच की दूरी का आधा, ठीक है। तो क्या मतलब इसकी दूरी का आधा, ठीक है। अब यम ए त्रिज्या चाहे एम सी त्रिज्या लेके एक अर्धवृत्त खींचना, फिर बिंदु बी पे लंब डालना, यहाँ पे मान लेना बिंदु डी, बी डी त्रिज्या लेना, एक ऐसे चाप लगा देना जहां पे जाएगा आगे तक बढ़ा देना, मान लिया बिंदु ई, यही हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट 8.1, ठीक है। बस मतलब सॉल्व नहीं करना, केवल दर्शाना है, ठीक है। अब तीसरा आप लोगों के लिए है, उसको आप लोग खुद करके लाना, इसको हम मिटा रहे हैं। चलो तीसरा नंबर हो गया खत्म, आ जाओ फोर्थ नंबर, क्या कर रहा है, कर रहा है, कह रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं बाबू। कह रहा है सरल कीजिए, क्या कह रहा है बाबू, यह भी कह रहा है सरल कीजिए, तो इनको सरल कर दो। इसमें दिया है बेटा, पहला दिया है 1/27 पे, क्या दिया है बेटा, -2/3, क्या दिया है बेटा, -2/3, ठीक है। इसको अगर माइनस है तो प्लस में करना, 27 को ऊपर लेके जाओ तो 27 पे 2/3, 27 बेटा क्या होता है, 3 का क्यूब है, ठीक है, 3 3 9 27, हम लिख सकते हैं इसको 3 का क्यूब, और होल पे कितना है बेटा 2/3, तो इसको करोगे 3 पे 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, आएगा 3 पे 2, 3 पे 2 का वैल्यू बेटा 9, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। दूसरा आ जाओ, दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है बाबू 8 पे 1/3, 8 पे 1/3 गुड़े क्या दिया, 16 पे 1/3, 16 पे 1/3 और बटे में दिया है बेटा, बटे में क्या दिया है 32 पे -1/3, तो देखना बाबू सब पे 1/3 है, यह माइनस पे है, इसको भी ऊपर कर लो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 8 पे 1/3 और गुड़े 16 पे 1/3, ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 32 पे 1/3, ठीक है। तो ए गुड़े बी गुड़े सी मान लो, और सब पे घात क्या है सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा 8 × 16 × 32 पे 1/3, 8 × 16 × 32 पे क्या करना बेटा आप लोग 1/3 लिखना, तीनों का गुणा करोगे आएगा 4096, क्या आएगा बेटा 4096, और टोटल पे 1/3, इसका 8 × 16 × 32 करोगे, यह बेटा जो होता है 4096, यह 16 का क्यूब होता है, ठीक है। तो क्या करना आप लोग निकाल लेना, ठीक है, 16 का क्यूब होगा और सब पे 1/3, तो हो जाएगा 16 पे 3 पे 1/3 या कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा 16 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का, क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा, उसका आंसर आएगा बेटा कितना 16 आएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 खत्म 5 पे, आ जाओ 5वे पे, 5वां क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए, बेटा 5वे में एक ही है, कह रहा ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6/3 दिया है, 6/3 × 2, 3/2 −2/3, 2/3 बराबर क्या है 3/2 माइनस क्या दिया है बेटा 1/3 दिया, ठीक है। अब बाबू इसमें निकालना a का मान, तो इधर वाला सॉल्व करो पहले,
क्या करो, हर का प्रमेय करण कर दो, ठीक है। तो क्या है, छह है बटे में रहने दो, कितना है तीन करड़ी में दो माइनस दो करड़ी में तीन, प्रमेय करण करोगे बेटा किससे, चिन्ह बदल के, कितना तीन करड़ी में दो प्लस दो करड़ी में तीन, नीचे भी करोगे तीन करड़ी में दो प्लस दो करड़ी में तीन, और बराबर क्या है बेटा तीन करड़ी में दो माइनस एक करड़ी में तीन, यही है ना बाबू। इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा छह तीन करड़ी में दो प्लस दो करड़ी में तीन बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो देखना बेटा तीन तीन यहाँ पे तीन का स्क्वायर हो जाएगा नौ, करड़ी में दो का स्क्वायर, करड़ी में दो गुणे करड़ी में दो है तो बेटा करड़ी में दो का स्क्वायर कितना होगा दो होगा, और माइनस दो का हो जाएगा चार और गुणे तीन, ठीक है। बराबर आ जाएगा तीन करड़ी में दो और माइनस एक करड़ी में तीन, ठीक है। तो यह बेटा छह तीन करड़ी में दो प्लस दो करड़ी में तीन बटे बेटा नौ दूनी अठारह माइनस चार तीया बारह, तीन करड़ी में दो माइनस एक करड़ी में तीन, ठीक है। आ जाओ तो क्या है बाबू, छह है तीन करड़ी में दो माइनस नहीं प्लस है बेटा दो करड़ी में तीन बटे कितना अठारह में से बारह जाएगा बाबू छह बचेगा, ठीक है। और बराबर क्या है तीन करड़ी में दो माइनस एक करड़ी में तीन, यही है बाबू। ऊपर भी छह है नीचे भी छह है, छह से छह क्या होगा कट जाएगा, बचेगा तीन करड़ी में दो प्लस दो करड़ी में तीन बराबर एक करड़ी में नहीं तीन करड़ी में दो और माइनस ए रूट थ्री, ठीक है बेटा। यह भी प्लस में है भी प्लस में, पूरा सेम है कट जाएगा। हम लिख सकते हैं माइनस ए रूट थ्री इक्वल टू कितना टू रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, माइनस ए इक्वल टू टू, ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, क्वेश्चन नंबर पांच यहीं पे हो गया खत्म। टोटल बाबू नौ क्वेश्चन है इसमें, पांच को हम लोग लगा लिए, चार और बाकी हैं, ठीक है, उनको भी लगा लेते हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ छठवें नंबर पे। लेकिन अभी तक तो जो थे इजी इजी थे, अब जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे वैसे वैसे हार्ड आएंगे, या फिर एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आएंगे। देखो छठवें नंबर लगा दिए, इसमें दो ही है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में ए का मान ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है बेटा, प्रत्येक में ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला क्या दिया है देखना, पांच प्लस क्या दिया बाबू दो करड़ी में तीन, दो करड़ी में तीन। फिर दिया बेटा सात प्लस चार करड़ी में तीन, चार करड़ी में तीन, फोर रूट थ्री, ठीक है। तो क्या दिया ए माइनस सिक्स रूट थ्री, ठीक है बाबू, यही है क्वेश्चन, कह रहा ए का वैल्यू बताना, ठीक है। एक काम करो, इसका प्रमेय करण कर दो। तो प्रमेय करण करोगे बेटा तो क्या करोगे, जो हर में है उसी से लेकिन चिन्ह बदल के ऊपर नीचे उड़ा करना है, ठीक है। तो फाइव प्लस टू रूट थ्री, सेवन प्लस फोर रूट थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे बेटा किससे, सेवन माइनस फोर रूट थ्री, और यहाँ पे भी सेवन माइनस फोर रूट थ्री, ठीक है। ए माइनस सिक्स रूट थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा तो देखना, पांच सते पैंतीस हो जाएगा, पांच चौके बीस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस बीस करड़ी में कितना है रूट थ्री है। इसका इसमें करोगे सात दूनी चौदह और रूट थ्री है, इसका इसमें करोगे बेटा माइनस चार दूनी आठ और रूट थ्री का थ्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट थ्री क्या हो जाएगा बेटा थ्री हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है बाबू, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो सात का स्क्वायर माइनस चार करड़ी में तीन का स्क्वायर बराबर ए माइनस सिक्स रूट थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैंतीस है, यहाँ पे क्या है बेटा चौदह है, तो पैंतीस और चौदह क्या करें, अगर हम देखें बेटा तो पैंतीस, लेकिन यहाँ पे चौदह करड़ी में तीन है ना, नहीं होगा। एक काम करो बेटा, चलने दो, यहाँ पे पैंतीस है माइनस बीस करड़ी में छह चौदह, बीस में से चौदह जाएगा बेटा कितना बचेगा छह करड़ी में तीन बच जाएगा सिक्स रूट थ्री, ठीक है। आठ त्रिक चौबीस माइनस चौबीस बटे सात सते उनचास माइनस चार का सोलह तीन हो जाएगा, ठीक है, ए माइनस सिक्स रूट थ्री। आ जाओ आगे बेटा, पैंतीस में से चौबीस अगर घटाओगे तो कितना बचेगा ग्यारह बचेगा, कितना बचेगा ग्यारह माइनस सिक्स रूट थ्री, और यहाँ पे उनचास देखो यहाँ पे अड़तालीस होगा, उनचास माइनस सोलह तीन अड़तालीस, ए माइनस सिक्स रूट थ्री, ठीक है।
यहाँ पे बेटा 11 माइनस 6 करडी में 3 और 49 में से एक जाएगा, 48 जाएगा, एक बचेगा, एक लिखा नहीं जाता, बराबर a माइनस 6√3, माइनस 6√3 माइनस 6√3 कैंसिल बेटा, a बराबर 11 आएगा, यही बचेगा, यही हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें के दूसरे की तरफ। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, आ जाओ 6 का दूसरा है ना बाबू। चलो क्या कहा बाबू, 3 माइनस रूट 5 दिया है, 3 माइनस रूट 5 और क्या दिया है, 3 प्लस 2 रूट 5 ये दिया है, इक्वल टू दिया है बेटा ए रूट 5 माइनस 19 बटे 11 यही दिया है। चलो इसका प्रमेयकरण करते हुए चलना, ठीक है, कितना है 3 माइनस करड़ी में 5, 3 प्लस 2 करड़ी में 5, क्या करोगे बेटा मल्टीप्लाई करोगे, 3 माइनस 2 करड़ी में 5 बटे 3 माइनस 2 करड़ी में 5 बराबर ए करड़ी में 5 है माइनस 19 बटे 11 है। ठीक है बाबू, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 3 का 3 में करोगे 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूनी 6 करड़ी में 5, इसका इसमें करोगे माइनस 3 करड़ी में 5, इसका इसमें करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का 2 होगा करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 5 हो जाएगा। अब यहां से करोगे अगर a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, और यहां पे होगा a करड़ी में 5 माइनस 19 बटे 11। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ आगे करोगे बेटा, यहां पे 9 होगा, 9 देखना यहां पे कितना है 6 करड़ी में 5, यहां पे कितना है बेटा 3 करड़ी में 5, 6 3 कितना हो जाएगा माइनस 9 करड़ी में 5। ठीक है, 9 करड़ी में 5 और 5 दूनी 10 बटे 3 त्रिका 9 माइनस 2 दूनी 4 और 4 का 5 करड़ी में 5 का 5 होगा, 4 पंजे 20 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 20 बराबर a करड़ी में 5 माइनस 19 बटे 11। ठीक है, 10 और 9 कितना होगा 19 माइनस 9 करड़ी में 5 यही है बेटा, और बटे माइनस 11 है बराबर ए करड़ी में 5 माइनस 19 बटे 11 है। बेटा ये माइनस है, इसको प्लस बना दो तो ऊपर वाला बदल दो, तो 9 करड़ी में 5 माइनस 19 बटे 11 बराबर ए करड़ी में 5 माइनस 19 बटे 11। ठीक है, कर लोगे, एक काम करो दोनों के बटे 11 है तो अलग अलग कर दो, 9 करड़ी में 5 बटे 11 माइनस 19 बटे 11 बराबर ए करड़ी में 5 माइनस 19 बटे 11। बेटा माइनस 19 बटे 11 इधर भी, माइनस 19 बटे 11 इधर भी है, खत्म। क्या बचेगा ध्यान देना, ए करड़ी में 5 क्या बचा है बेटा, 9 करड़ी में 5 बटे 11, करड़ी में 5 इधर भी खत्म, ए बराबर 9 बटे 11 ए का वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा, आप लोग इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें के तीसरे की तरफ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरा, देखते हैं क्या कह रहा उसको भी, तीसरा नहीं खत्म, 6 में 2 ही है, 7वां देखेंगे। ठीक है, मतलब 6 में ही सब क्वेश्चन ला दोगे। आ जाओ 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां क्या कह रहा बाबू, सरल कीजिए, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है लेकिन लग रहा है कि धाकड़ है, क्या है धाकड़ है। ठीक है, क्या दिया बेटा, 7 करड़ी में 3 बटे दिया बाबू करड़ी में 10 प्लस करड़ी में अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, प्लस नहीं माइनस दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 रूट 5 दिया है बेटा, अपान में क्या दिया रूट 6 प्लस रूट 5, रूट 6 प्लस रूट 5। ठीक है, फिर माइनस पता नहीं प्लस माइनस ही दिया है, 3 रूट 2 दिया है। ठीक है बेटा, 3 रूट 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया अंडर रूट 15 प्लस 2 रूट 3, 3 रूट 2 है, सॉरी 3 रूट 2 है बाबू, इसको सरल करना। ठीक है, तो एक काम हम करते हैं, इसको देखना ध्यान से, यहाँ पे स्पेस हम छोड़ देते हैं, पूरा छोड़ देते हैं, यहाँ पे नहीं पूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, हम इधर एक एक पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, फिर लाके यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और आंसर जो होगा आपको दिखा देंगे, मतलब पूरा सोल्यूशन भी दिखाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। जैसे हम इसको उठा लें, कितना दिया है 7√3 अपान अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3। बेटा प्रमेयकरण करोगे क्या होगा, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो क्या होगा ध्यान देना, 7√3
अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3 यही होगा। इसका बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी फॉलो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा अंडर रूट 10 का हो जाएगा 10 माइनस अंडर रूट 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा बेटा कितना 7 अंडर रूट 3 अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3 और ए हो जाएगा बेटा 7, 7 से 7 कैंसिल तो क्या होगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। इसका करोगे गुणा बेटा तो अंडर रूट 30 हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो पहले वाले का मान इतना आ गया, ठीक है। दूसरे वाला दिया है कितना बाबू 2 करडी में 5 है और करडी में 6 प्लस करडी में 5 है, करोगे बेटा करडी में 6 माइनस करडी में 5 बटे करडी में 6 माइनस करडी में 5 से, ठीक है। करोगे बाबू तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसका इसमें करोगे 2 करडी में 6 पचे 30 माइनस 2 करडी में कितना हो जाएगा बेटा 5 गुणे 5 तो 5 हो जाएगा, करडी हट जाएगा, ठीक है। यहां पे करोगे a प्लस बी ए माइनस बी करडी में 6 का स्क्वायर 6 5 का तो 5, ठीक है। तो करेंगे बेटा तो 2 करडी में 30 और माइनस 5 दूनी 10 बटे में 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो दूसरे वाले का ए आ गया। तीसरे वाला देख लो बेटा 3 करडी में 2 है करडी में 15 प्लस 3 करडी में 2, तो बेटा करडी में 15 माइनस 3 करडी में 2 करडी में 15 माइनस 3 करडी में 2 ये हो जाएगा बेटा इसका मान। अब यहां से इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू करें, क्या करें बेटा सॉल्व करना शुरू करें, तो देखना 3 करडी में 2 है 3 करडी में 2 रहने दो, करडी में 15 माइनस 3 करडी में 2 बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, 15 का बेटा 15 हो जाएगा यही होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 का कितना होगा बेटा 9 होगा, करडी में 2 का 2 हो जाएगा। तो यहां पे अगर करें तो 3 करडी में 2 करडी में 15 माइनस 3 करडी में 2 यहां पे 15 9 दूनी 18, ठीक है। तो हो जाएगा 3 करडी में 2 यहां पे हो जाएगा करडी में 15 माइनस 3 करडी में 2 18 में 15 में से 18 जाएगा माइनस 3, तो बेटा इससे इसको काट दो यहां पे बचेगा माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। क्या करो ऊपर गुणा कर दो तो 15 दूनी करडी में 30 और माइनस यहां पे कितना होगा 3 और गुणे 2 2 तो 2 हो जाएगा और बटे में माइनस 1 है। अब बेटा चिन्ह बदल दो, ऊपर 3 दूनी 6 और माइनस कितना होगा बेटा करडी में 30 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 था तो माइनस 1 बेटा हट गया क्योंकि प्लस वाला माइनस माइनस वाला हम लोग क्या किए प्लस कर दिए, ठीक है। अब तीनों का मान उठा के यहाँ पे रख दो कितना होगा करडी में 30 माइनस 3 यहाँ पे माइनस है ब्रेकेट लगा लेना, ठीक है। 2 करडी में 30 माइनस 10 तो 2 करडी में 30 माइनस 10, ठीक है। फिर बेटा माइनस है ब्रेकेट लगा देना 6 माइनस करडी में 30, ठीक है। तो करडी में 30 माइनस 3 माइनस 2 करडी में 30 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 6 प्लस करडी में 30 बेटा 1 करडी में 30 2 करडी में 30 हो गया, प्लस में 2 करडी में 30 माइनस में हो गया, ठीक है। यहां से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे अगर करेंगे बाबू तो यहां पे देखना 10 है प्लस में माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 हो जाएगा बेटा इसका आंसर 1 होगा, कितना आएगा बेटा इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया खत्म, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगा रहे हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। इसमें भी दो क्वेश्चन थे शायद ना, सातवें में एक ही था बड़ा था, आठवां आ जाओ, ठीक है। आठवां नंबर क्या कह रहा है बाबू कि अंडर रूट 2 का वैल्यू दिया 1.414, 3 का दिया बेटा 1.732, ठीक है। हो तो का मान ज्ञात कीजिए, हो तो क्या करना बेटा वैल्यू निकालना है, कितना दिया है 4 बटे 3 करडी में 3 और क्या दिया माइनस 2 करडी में 2, ठीक है। प्लस क्या दिया बेटा 3 बटे 3 करडी में 3 प्लस 2 करडी में 2, इसका वैल्यू निकालना बाबू क्या करना देखना, a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो इस पूरा का पूरा हो जाएगा, क्या होगा 3 करडी में 3 माइनस 2 करडी में 2 और दूसरे में हो जाएगा 3 करडी में 3 प्लस 2 करडी में 2, इसके लिए इसका गुणा इसमें होगा बेटा 4 होगा 3 करडी में 3 प्लस 2 करडी में 2 प्लस है 3, इसका गुणा इधर होगा 3 करडी में 3 माइनस 2 करडी में 2, ठीक है। तो गुणा करोगे 4 3 12 करडी में 3
और 4 × 2 = 8 करडी में 2, 3 × 3 = 9 करडी में 3, -3 × 6 करडी में 2 बेटे ए प्लस बी ए माइनस बी फॉलो कर रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 करडी में 3 का स्क्वायर माइनस 2 करडी में 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे करोगे ध्यान देना, 12 करडी में 3 है, 9 करडी में 3 है, 12 × 9 = 21 करडी में 3। ठीक है, प्लस 8 करडी में 2 है, 6 करडी में 2 माइनस में कितना बचेगा, 2 करडी में 2। ठीक है, बटे में 3 का स्क्वायर बेटा 9 होगा, करडी में 3 का 3 होगा, माइनस 2 का 4 होगा, करडी में 2 का 2 होगा। तो क्या होगा अगर लिखेंगे 21 करडी में 3 प्लस 2 करडी में 2, 9 × 3 = 27 माइनस 12। ठीक है, 27 माइनस कितना होगा, 12 नहीं हो, 4 × 2 = 8 होगा, सॉरी 4 × 2 = 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 21 रहने दो, करडी में 3 का मान 1.732, 2 करडी में 2 का मान 1.414 बटे यहाँ पे हो जाएगा 19। ठीक है, 21 का गुणा बेटा जब 1.732 में आप लोग कर लेना, ठीक है, लगभग आएगा 36.372 आएगा। ठीक है, 36.372 और प्लस इसका गुणा करोगे 2.828 के करीब आना चाहिए। ठीक है, 2.828 बटे 19। ठीक है, इन दोनों को क्या करना बेटा, जोड़ देना, तो 36, 2, 38 और 8, 3, 11 मतलब 39.2 के करीब आएगा। ठीक है, 39.2 और बटे में 19 से रहने दो, तो भाग दोगे 2.019 × 38 2.0 कुछ करके आएगा 6, 3 या कुछ ऐसे आएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को और इस प्रश्नावली का वही होगा लास्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं। आ जाओ नवा क्वेश्चन, क्या कह रहा है बाबू, सरल कीजिए, क्या कहा, सरल कीजिए, इसमें भी 2 क्वेश्चन एक और है, 2 ही है। ठीक है, तो सरल कर दो बेटा, सरल करने में तो आप लोग माहिर ही हो गए हो। ठीक है, पहला दिया 1 पे 3 प्लस कितना दिया बेटा, 2 पे 3, 1 पे 3, 2 पे 3 और कितना दिया, 3 पे 3, 3 पे 3 और होल पे बेटा 1/2। ठीक है, तो 1 पे 3 का वैल्यू कितना होता है 1, 2 पे 3 = 8, 3 पे 3, 3 × 3 = 27 और होल पे बेटा 1/2। ठीक है, तो 8 × 1 = 9, 27 × 9 कितना होगा, 36 पे 1/2, तो 36 को लिख सकते हैं बेटा 6 का स्क्वायर और होल पे 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, आ जाओ दूसरा, दूसरा क्या कह रहा बेटा, कह रहा है 4 √81 प्लस एक माइनस है, माइनस 8 दिया है बेटा 3 √216। ठीक है, उसके बाद दिया है बाबू 15 + 15 प्लस में है ना 5 √ कितना दिया 32। ठीक है, उसके बाद दिया बेटा प्लस 225 √ में। ठीक है, तो बाबू एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे रूट जब हटाएंगे 81 पे हो जाएगा 1/4। ठीक है, 8 × 216 पे हो जाएगा बेटा 1/3 प्लस 15 × 32 पे हो जाएगा बाबू 1/5। ठीक है, और प्लस 225 पे हो जाएगा बेटा 1/2। इतना कर लोगे, 81 को लिख सकते हैं 3 × 3 = 27 × 81, तो कितना होगा बेटा 3 पे 4 होगा और होल पे 1/4 है प्लस 8 है रहने दो गुड़े 216 × 6 = 36 × 216 × 6³ और होल पे 1/3 प्लस 15 × 32 को लिख सकते 2 पे 5 और होल पे 1/5 प्लस 225 15 का स्क्वायर होता है बेटा और होल पे 1/2। तो खोलोगे बाबू तो गुड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो गुड़ा होगा तो इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, समझ जाना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा, यहाँ पे 8 प्लस यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है बेटा 8 × 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा और यहाँ पे बचेगा 15। ठीक है, तो सॉल्व अगर किया जाएगा तो कितना होगा 3 + 8 = 48, लेकिन कोई चीज तो माइनस में था यहाँ पे, यहाँ पे पहले वाला ही माइनस में, यहाँ पे यह माइनस है बेटा। ठीक है, तो 3 − 48 है और प्लस कितना है 15 है, तो 15 × 2 यहाँ पे कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 15 है, क्या है 15 है। ठीक है, आ जाओ आगे,
तो देखना बाबू 15, 30, 45, 3, 48 होगा, ठीक है। प्लस में 48 माइनस में 48 मतलब इसका वैल्यू आ गया 0। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का पहला, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा। इसी के साथ बेटा प्रश्नावली नहीं विविध प्रश्नावली पहले का खत्म हो गया। आप देखेंगे इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।